नमस्कार फ्रेंड्स, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही थी वो रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड पर चल रही थी। मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग का जो पहला मेथड था, जो पहली यूनिट थी, उसकी पहले दो क्वेश्चन किए वो फर्स्ट फॉर्म के थे, उसके बाद एक क्वेश्चन हमने सेकेंड फॉर्म का किया था। तो आज की क्लास में हम सेकेंड फॉर्म का ही एक क्वेश्चन और करेंगे, ताकि आपके जो कोई डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आपकी एक बार और प्रैक्टिस हो जाए। जो बेसिक रूल है वो लगभग आपको याद हो गए होंगे, क्योंकि तीन क्लासें हमारी हो चुकी हैं इसकी और ये चौथी क्लास है। तो आप एक काम करें कि जो तीनों क्लास में जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो क्वेश्चन आप स्वयं करें, सारे के सारे जो नियम हैं उन नियमों को आप ध्यान में रखें, याद रखें। और उनको याद रखने का एक ही तरीका है कि क्वेश्चन को बार बार निकालें। जहां आप अटकते हो वहां से आप क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट करो, जहां आप अटकते हो वहां आपको वो रूल ध्यान में आएगा। अगली बार जब वापस उस क्वेश्चन में आओगे तो जो जहां पे आप अटके हो वो चीजें आपके क्लियर होती जाएंगी। इस प्रकार धीरे 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 इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे क्वेश्चन होंगे। एक बार में करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, और मेथड पढ़ के क्वेश्चन करोगे तो भी होने में आपके पजल्ड होगा। तो एक ही तरीका है, जो सिंपल तरीका, कि क्वेश्चन करते जाओ और साथ साथ नियम याद करते जाओ। तो आज हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। मिनिमम जेड बराबर एक्स वन प्लस टू एक्स टू, सच दैट की कंडीशन है टू एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स एंड एक्स वन प्लस एक्स टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड एक्स वन एंड एक्स टू ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है यूज रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग। ये क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी 2010 में आया हुआ है। अब देखें, ये क्वेश्चन है 2x1 plus 5x2 greater than equal to 6 and x1 x2 2 और x1 plus 2x2। अब ये देखें, अब मिनिमम जेड में है तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसको मैक्सिमम में चेंज करें। अब जो पहला क्वेश्चन मैंने करवाया था वो भी मैक्सिमम में था, सॉरी मिनिमम में था, हमने उसको मैक्सिमम में चेंज किया और ये भी मिनिमम में है। अब जो इसमें मैक्सिमम के क्वेश्चन है उसको आपको एक स्टेप बाद से स्टार्ट करना है। तो अब यहां पे क्या करेंगे, इसको हमने मैक्सिमम जेड बराबर माइनस एक्स वन और माइनस टू एक्स टू, ठीक है, हमने ये साइन क्या कर दिए, चेंज कर दिए। अब दूसरा काम, इनको इक्विलिटी में चेंज करना है। तो जेड प्लस एक्स वन प्लस टू एक्स टू बराबर जीरो, इसको इक्विलिटी में चेंज करेंगे तो टू एक्स वन प्लस पांच एक्स टू माइनस एक्स थ्री बराबर सिक्स। अब देखें, ये सरप्लस वेरिएबल मैंने ऐड किया है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसका मान छह से ज्यादा है तो कुछ ना कुछ घटाएंगे तो ये छह के बराबर आ जाएगा। अगली कंडीशन में एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स फोर बराबर टू, इसमें क्या होगा कि एक्स वन प्लस एक्स टू का मान दो से ज्यादा है, इसमें कुछ ना कुछ घटाएंगे तो ये दो के बराबर आ जाएगा। ये चीजें मैंने पिछली क्लास में बताई है, यहां पे भी है, बेसिक रूल है, अब आपको इनकी आदत हो गई होगी। अब देखते हैं, हमको इकाई मैट्रिक्स बनाने के लिए इसको सेकंड फॉर्म में हमको चेंज करना होगा। तो सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, जेड प्लस एक्स वन प्लस टू एक्स टू बराबर जीरो। यहां पे जो लाइन आएगी, जो फंक्शन या जो फॉर्म आएगी वो इन दोनों की मदद से आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी,
माइनस एफ अक्स आई प्लस अक्स जे, ये क्या बनेगा? 2x1 प्लस 5x2, 2x1 प्लस 5x2 माइनस x3 प्लस x6 बराबर 6। ठीक है, इसके बाद इसमें x1 प्लस x2 माइनस x4 प्लस x7 बराबर 2। अब यहां पे जो फॉर्म बनेगी माइनस एफ अक्स आई प्लस अक्स जे, तो देखें 2x1 प्लस x1, तो 2 और 1 3, तो माइनस 3x1 प्लस 5 एंड 1 6, तो ये हो जाएगा माइनस 6x2 माइनस x3 प्लस x3 माइनस x4 प्लस x4। और x5 के लिए मैंने क्या बताया था? x5 क्या होगा? x6 और x7 का योग होगा माइनस में। आप यहां लिखें x5 और 6 एंड 2 माइनस 8, 6 एंड 2 एडिशन में 8 और 8 का माइनस माइनस 8। ठीक है, क्या लिखा? 2 और 1 को जोड़ा 3, 5 और 1 को 6, अक्स 3 माइनस का है तो प्लस का, अक्स 4 प्लस का, फिर अक्स 5 कौन सा लिखा? अक्स 6 और अक्स 7 को ऐड किया, तो अक्स 5 बराबर क्या होगा? साइड में आपको दर्शाना है माइनस अक्स 6 प्लस अक्स 7। चीजें क्लियर हुई? अब हमको टेबल बनानी है। कौन सी टेबल? बेसिक टेबल। देखें A0, A1, A2, A3, A4, 5, 6 एंड 7। A0 का मतलब Z से संबंधित, तो यहां 1 आएगा। यहां से लिखें X1 बराबर 1 और ये 2, 0, 0, 0, 0 और 0। यहां पे इसमें Z इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तीनों में नहीं है, तो 0, 0 और 0। अब इसमें माइनस 3, माइनस 6 और प्लस 1 और ये भी 1, ये भी 1 और ये 0 और 0। आगे इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें माइनस 1 है, 0, 0, 1 और 0, इसमें 1 और इसमें 1, 0 है माइनस 1 है, 0 है 0 है और 1 है। यहां तक चीजें क्लियर हुई? कहां तक? Z से लेकर अक्ष 7 तक। यहां क्या आएगा? 0 माइनस 8, 6 और 2। ये हमारी बेसिक टेबल है जो कंप्लीट हुई। अब ये चीजें आप क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट समझने की कोशिश करें। जिस प्रकार से आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही फास्ट हम चलेंगे ताकि आपको सारी चीजें समझ आती जाएं। थोड़ा हम जल्दी जल्दी इसलिए चल रहे हैं कि चीजों को हम फास्टली पढ़ेंगे तब जाके ये एग्जाम में सिंप्लीफाई होगी। अब देखो बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल बीटा 2 इनवर्स E1, E2, बीटा 1, बीटा 2, अक्स बी, अक्स के और मिनिमम अक्स बी अपॉन अक्स के, ये सारी की सारी टेबल की फॉर्मेट आपको याद होनी चाहिए। अब देखें इकाई मैट्रिक्स कहां बन रही है? A0, A5, A6 और A7। जेड अक्स 5, अक्स 6 और अक्स 7। E1, E2, बीटा 1, बीटा 2, क्या बना? इकाई मैट्रिक्स 1, 0, 0 और 0। यहां तक चीजें क्लियर हुई? अब देखें आगे,
0, 1, 0 और 0। इकाई मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखने हैं, आप सीधा भी लिख सकते हैं। अक्ष भी बराबर क्या होगा, 0, -8, 6 और 2। अब हमको एडिशन टेबल बनानी है, एडिशन टेबल देखते हैं। एडिशन टेबल जो कॉलम इकाई मैट्रिक्स के अलावा बच गए वो हमें लिखने हैं, A1, A2, A3 और A4। तो A1 में क्या है, 1 है, -3 है, 2 है और 1 है। A2 में क्या है, 2 है, -6 है, 5 है और 1 है। A3 में है 0, 1, -1 और 0। A4 में हमें मिलेगा 0, 1, 0 और -1। ये हमारी एडिशन टेबल हो गई। अब देखते हैं आगे, अब वही प्रोसेस जो हमें पता है कि हमको क्या निकालना है, ZJ-CJ। ZJ-CJ की फॉर्मेशन क्या होगी, सेकेंड रो ऑफ β2 इनवर्स गुणा एडिशन टेबल। सेकेंड रो कौन सी है, 0, 1, 0, 0 और एडिशन टेबल ये है। तो अब मैं सीधा लिखूंगा कि ये जो 0, 1, 0, 0 है इसको अगर आप एडिशन टेबल से गुणा करवाएंगे तो ये जो इस कॉलम का जो दूसरा एलिमेंट है वो इसमें आएंगे। तो -3, -6, 1 और 1, ये बेसिक है, आप गुणा करवा सकते हैं। तो मिनिमम कौन हुआ, -6। एंटर कौन करेगा, A2 एंटर करेगा तो K बराबर क्या होगा, 2 होगा। A2 एंटर करेगा तो K बराबर क्या होगा, 2 होगा। K बराबर 2 होगा तो अक्ष K बराबर क्या होगा, β2 इनवर्स गुणा A2। β2 इनवर्स पूरी की पूरी मैट्रिक्स किससे गुणा होगी, इस एंट्रिंग कॉलम से। पूरी की पूरी मैट्रिक्स किससे गुणा होगी, इस एंट्रिंग कॉलम से। तो अक्ष K की वैल्यू पहली टेबल में हमेशा क्या आएगी, ये जो कॉलम होगा ये की यही आएगी। तो 2, -6, -5 और 1 यहां मिलेगा 0। तो 0 और माइनस को मेंशन ही नहीं करना है, यहां 8/6 तो 4/3, यहां 6/5 और यहां मिलेगा 2। अब इसमें मिनिमम कौन है, इसमें मिनिमम है 6/5। इसमें भाग देंगे 4/3 में तो इसमें मिलेगा 1.33 के आसपास, और इसमें भाग देंगे तो इसमें मिलेगा 1.22 के आसपास। तो मिनिमम कौन हुआ, 6/5। 6/5 मिनिमम हुआ, ये -6 ये 5 है, ठीक है। 6/5 मिनिमम हुआ तो की एलिमेंट क्या मिलेगा, 5। अब ये चीजें आपके देखते ही ध्यान में आनी चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन आपको आएंगे कि एलिमेंट क्या हुआ, 5। बाहर कौन निकल रहा है, अक्ष 6 बाहर निकल रहा है, तो इसका कॉलम कौन होगा, β1। ये X7 का, ये X6 का, ये X5 का और ये Z का। बाहर कौन निकलेगा, β1। अब देखते हैं आगे, बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल के बाद β2 इनवर्स E1 E2 β1 β2। यहां पे अक्ष B, यहां पे अक्ष K और यहां पे मिनिमम अक्ष B अपोन अक्ष K। बेसिक वेरिएबल में Z, अक्ष 5,
अक्ष 6 बाहर निकल रहा है, एंटर कौन हो रहा है? ए टू मतलब है अक्ष 2 और अक्ष 7। ये मैंने आपको बताया कि E1 और E2 चेंज नहीं होंगे, ऐसे के ऐसे लिखे जाएंगे, ऐसे के ऐसे आपको लिखने हैं। वन जीरो 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 वन जीरो और जीरो। अब देखो ये 5 है तो ये रो किस प्रकार बनेगी? 106 की एलिमेंट का क्या देंगे? भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/5, ये 0 और ये 6/5। नीचे वाली रो है वो किस प्रकार बनेगी? तो 0, 1 और 2 है, 0, 1 और 2 है, माइनस का चिन्ह की एलिमेंट के साथ कौन है? 1 है और मल्टीप्लाई में 1/5, 0 और 6/5। यहां मिलेगा -1/5, यहां 1 और यहां आपको मिलेगा 4/5, 5 × 10, 10 -6, 4/5। तो आपको क्या मिलेगा? -1/5, 1 और 4/5। अब इसको देखें, 0, 0 और -8, तो 0, 0 और -8, माइनस का चिन्ह, इसके साथ कौन है? -6, तो ये हो जाएगा +6 + 6 गुणा 1/5 गुणा 0 और गुणा 6/5। यहां आपको मिलेगा 6/5, यहां मिलेगा 0 और यहां मिलेगा -4/5। 5 को 8 से मल्टीप्लाई तो 40, 40 में से 36 बाकी निकाले तो माइनस के 4/5, 6/5 0 और माइनस के 4/5। अब ये टेबल 0, 0 और 0, 0, 0 और 0, माइनस 5 के समकक्ष कौन है? देखें इस रो से संबंधित 2। अब ये चीजें जिसको समझ नहीं आ रही है इसका मतलब ये है कि उसने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है। गुणा ये सबसे पहले जो रो मिली थी 1/5 गुणा 0 गुणा 6/5, यहां मिलेगा -2/5, यहां मिलेगा 0 और यहां मिलेगा -12/5, यहां मिला -2/5, यहां 0 और यहां -12/5। ठीक है, ये हमारा काम है कंप्लीट हुआ। इसमें हमने की एलिमेंट का भाग दिया, इसके बाद हमें मिला -1/5 1 और 4/5, इसमें हमें मिला 6/5 0 और -4/5, इसमें मिला हमें -2/5 0 और -12/5। ये काम रफली करना है एग्जाम में तो हमने इसको मिटा दिया। अब एडिशन टेबल हमें बनानी है, एडिशन टेबल इस तरफ बनाते हैं। देखें एडिशन टेबल, A1 ऐसा का ऐसा, A2 की जगह कौन आएगा? अक्ष 6 बाहर निकल रहा है तो अक्ष 6 का कॉलम, तो A6, फिर A3 और A4। A1 ऐसा का ऐसा 1, -3 और 2 और 1। A2 की जगह A6 आएगा तो A6 ये देखो बीटा 1, तो 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0। यहां आएगा A3, 0, 1, -1 और 0। A4, 0, 1, 0 और -1। ये हमारी एडिशन टेबल बनी। अब ZJ-CJ क्या होगा?
सेकेंड रो ऑफ बीटा टू इनवर्स गुणा एडिशन टेबल, सेकेंड रो कौन सी है, ये रो। जितना जल्दी इस क्वेश्चन को समझेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, प्रैक्टिस मांगेगा ये पेपर। तो कोशिश ये करें, ये न समझें कि मैं फास्ट चल रहा हूं, ये समझें कि हमको भी इससे ज्यादा फास्ट चलना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आएंगे इसी प्रकार के, सारे मेथड इसी प्रकार के हैं, और आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, उसमें किस प्रकार से आप मैनेज करते हो आप सोच सकते हैं। अब देखें सेकेंड रो ऑफ बीटा इनवर्स, तो 0, 1, 6/5 और 0। अब एडिशन टेबल है 1, -3, 2 और 1, आगे है 0, 0, 1 और 0, इसके बाद है 0, 1, -1 और 0, और इसके बाद है 0, 1 और 0 और -1, ये है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई 0 का 1 से 0, फिर 1 का -3 आएगा, ये -3, 6/5 का तो +12/5 और ये 0, ठीक है। अब इस 0 का 0 से ये दोनों 0 होंगे, इसमें आएगा 6/5, अगले में आएगा 1 -6/5, 0 का 0 से 1 का 1 से, 6/5 का -1 से और 0 का 0 से। अब 0 का इसमें, तो इसमें आएगा 1, 0 का 0 से 0, 1 का 1 से 1 और 6/5 का 0 और 0 का -1 से 0। यहां आपको मिलेगा -3/5, 5 से 15 और 12 में से 15, -3/5, ये 6/5 और ये मिलेगा -1/5 और ये 1। तो माइनस सबसे मिनिमम कौन हुआ, -3/5, तो एंटर कौन करेगा, A1 क्या करेगा, इंटर करेगा, के बराबर आप लिख दें A1 इंटर करेगा। अब बाहर कौन निकलेगा, अंदाजा लगाएं कि X2 की वैल्यू हमें मिल रही है, X7 को अगर बाहर निकालें तो यहां पे आएगा X1, क्योंकि A1 इंटर करेगा, तो अगली टेबल में हमारे आंसर आ सकते हैं। तो देखते हैं, देखते हैं अक्ष के का फॉर्मूला बीटा टू इनवर्स गुणा A1 क्यों, क्योंकि A1 एंटरिंग कॉलम है। अब देखें 1, 0, -2/5 और 0, 0, 1, 6/5, 0 और 0, 0, 1/5 और 0 एंड 0, 0, -1/5 और 1, ये है अपनी मैट्रिक्स बीटा टू इनवर्स, 1, 0, 2/5, 0, 0, 1, 6/5, 0 और 0, 0, 1/5, 0, 0, 0 एंड -1। इंटरिंग कॉलम क्या है, 1 है, -3 है और 2 है और 1 है, ठीक है, ये हमने इंटर करवा दिया। अब इसका क्या होगा, अब इसका रिजल्ट निकाला जाएगा, तो 1 का 1 से 1, 1 का 1 से 1, इस 1 का 1 से 1, 0 का -3 से 0, -2/5 का -4/5, ठीक है, और 0, इसको मैं लिख देता हूं 1 -4/5, 0 का 1 से 0, 1 का -3 से -3, ये हो जाएगा
प्लस के 12/5 और 0। यहां मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2/5। 0 0 का -3 से 0, 1/5 का 2 से तो 2/5। इसमें आपको मिलेगा 0 0 और माइनस के 1/5, सॉरी माइनस के 2/5, -1/5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 2/5 और प्लस 1। यहां आपको मिलेगा 1/5, यहां आपको मिलेगा माइनस के 3/5, यहां आपको मिलेंगे 2/5 और यहां आपको मिलेगा प्लस के 3/5। देखें 5-4 1/5, 5 3 15, -12 3/5 माइनस के हैं 2/5 ऐसे का ऐसा, और ये 5 इस तरफ आएगा, यानी कि -2/5 प्लस 1, तो 5-2 3/5। ये आप यहां लिखें 1/5 -3/5 और 2/5 और 3/5। अब मिनिमम अक्ष बी अपोन अक्ष के, मिनिमम अक्ष बी अपोन अक्ष के, माइनस मेंशन नहीं होगा। यहां मिलेगा 4/3, यहां मिलेगा 6/2 मतलब 3, और यहां मिलेगा 4/3। अब देखें मिनिमम में दो वैल्यू मिल गई, अक्ष 5 में और अक्ष 7 में, ये 4/3 है। ध्यान रखें ये 4/3 है, ये भी 4/3 है, तो मिनिमम कौन लेंगे? अगर अक्ष ये मिनिमम लेते हैं तो अक्ष 7 बाहर निकलेगा, अक्ष 1 एंटर पहले से हो रहा है। देखें तो क्या कंडीशन बनेगी कि हम अगर इसको एंटर करवाएं तो अगली टेबल में हमारे आंसर आ सकते हैं। अगर इसको एंटर करवाएं तो अक्ष 5 बाहर निकलेगा, अक्ष 1 इंटर होगा, फिर अक्ष 7 बाहर निकलेगा, अक्ष 5 इंटर होगा, तो ये टेबल कितनी एक और बढ़ जाएगी। तो हम इसको मिनिमम में मानेंगे, इसको मिनिमम इस तरह से, इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी आपको यूज करना पड़ेगा। 3/5 की एलिमेंट, अक्ष 7 बाहर, अक्ष 7 का कॉलम ये बाहर निकलेगा। अब देखते हैं इन क्वेश्चंस में आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और एक चीज और बता देता हूं, ये अक्ष के निकाला था, इसकी कोई जरूरत अब नहीं है। एक चीज और बता देता हूं कि इस फॉर्मेट में या इस फोरम में जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं तो उसमें कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, तो आप क्या करें कि क्वेश्चन के डाउट हैं जो छोटी मोटी मिस्टेक हमसे हो जाती है उनको कवर अप करते हुए चलें। अब अगली टेबल बनाते हैं, बेसिक वेरिएबल, ये बीटा 2 इनवर्स, यहां E1 है E2 और β1 है β2, अक्ष बी अक्ष के और मिनिमम अक्ष बी अपोन अक्ष के, जेड होगा, अक्ष 5 होगा, अक्ष 2 होगा, अक्ष 7, अक्ष 7 बाहर निकल रहा है, एंटर कौन हो रहा है? A1, A1 का मतलब है अक्ष 1, ये ऐसा का ऐसा रहेगा। E1 और E2 में लास्ट एंड तक किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, इनको ऐसा का ऐसा लिख दें। अब β1 और β2, अब देखें 3/5 है की एलिमेंट, ये रो हम बनाने के लिए क्या करेंगे इसमें कि एलिमेंट का भाग दे देंगे। रो बनानी कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक, ये चेंज नहीं होंगे, ये आगे निकालेंगे, तो किस प्रकार लिखेंगे? -1/5 में 3/5 का अगर भाग देंगे तो मिलेगा -1/3।
आगे एक में भाग देंगे तो मिलेगा 5/3, और 4/5 में 3/5 का भाग देंगे तो मिलेगा 4/3। ठीक है, ये चीजें हमें मिली। एडिशन टेबल इसमें बनेगी, एडिशन टेबल बाद में बना लेंगे। अब देखिए रो निकालते हैं, ये रो 1/5, 0 और 6/5, ये रो निकाल रहा हूं 1/5, 0 और 6/5, ये पहले से निकाली हुई है यानी कि चेंज नहीं होगी। माइनस का चिन्ह कि एलिमेंट के साथ कौन है, 2/5 मल्टीप्लाई, जो नई रो मिली है, नई रो क्या मिली है 1/3 माइनस के, तो यहां प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहां मिला है 5/3 और यहां मिला है 4/3। देखें यहां मिलेगा आपको एलसीएम आएंगे 15, यहां मिलेगा 3, यहां मिलेगा 2, 5/15 मतलब 1/3, यहां 5 से 5 कैंसिल, माइनस के 2/3, यहां आपको क्या मिलेगा, यहां 15 एलसीएम आ गए, यहां आपको मिलेगा 18 - 8 यानी कि 10/15, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 यानी कि 2/3। क्या क्या मिला, 1/3 माइनस 2/3 और 2/3, लिख दें 1/3 माइनस 2/3 और 2/3। अब हमें निकालनी है ये रो, ध्यान दें तो 6/5, 0 और माइनस 4/5, माइनस का चिन्ह कि एलिमेंट के साथ कौन है इस रो से संबंधित, -3/5, तो प्लस हो जाएगा, +3/5 और +3/5 गुणा जो सबसे पहले रो मिली थी, सबसे पहले कौन सी रो मिली थी, ये वाली रो, तो -1/3 गुणा 5/3 गुणा 4/3, ये देखें 3 से 3 कैंसिल आउट, 6/5 माइनस 1/5, 5/5 ये मिलेगा 1, यहां 3 से 3 और 5 से 5 कैंसिल आउट 1, और यहां मिलेगा आपको 3 से 3 कैंसिल और 0, 4/5 माइनस 4/5, ये कैलकुलेशन आपको इतनी ही फास्ट करनी पड़ेगी, इसका कोई भी इलाज नहीं है। अगली रो हम देखते हैं, अगली रो है ये -2/5, 0 और -12/5, माइनस का चिन्ह, यहां इसकी एलिमेंट के साथ कौन है, 1/5 मल्टीप्लाई में क्या मिलेगा, जो सबसे पहले रो प्राप्त हुई थी वो रो, तो -1/3 माइनस माइनस प्लस, यहां मिलेगा 5/3 और यहां मिलेगा 4/3। अब देखें यहां एलसीएम आएंगे 15, यहां -6+1 यानी कि -1/3, यहां 5 से 5 कैंसिल आउट, -1/3, यहां एलसीएम मिलेंगे 15, यहां आपको मिलेंगे 36 और -4, तो -32/15। देखें इसको एक बार
माइनस के 2/5, 0 और माइनस के 12/5। माइनस का चिन्ह जो की एलिमेंट के साथ है 1/5 वो लिखना है आपको। अब करना क्या है कि इसमें इसको सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, अब एडिशन टेबल बनाएंगे। एडिशन टेबल में हमारे पास A1 इंटर कर गया तो बाहर कौन आएगा? A7। A7 का मतलब ये कॉलम 0 0 0 और 1, 0 0 0 और 1, बाकी किसी को चेंज नहीं करना है। A6, A3 और A4, 0 0 1 और 0, 0 1 माइनस 1 और 0, 0 1 0 और माइनस 1, ये हमारी एडिशन टेबल हो गई। अब देखते हैं, अच्छा ये रो हमने निकाली, हाँ यहां निकाली थी, फिर से निकालते हैं। -2/5, 0 और -12/5। माइनस का चिन्ह की एलिमेंट के साथ कौन है? 1/5, -1/5 और -1/5। नई रो हमें यहां मिली 4/5, यहां मिला -1/3, यहां मिला 5/3 और यहां मिला 4/3। अब देखें, यहां आपको मिलेगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 15, माइनस के 6 और प्लस का 1 यानी कि -1/3। यहां मिलेगा 5 से 5 कैंसिल आउट और -1/3। यहां आपको मिलेगा 15, यहां मिलेगा -36 और यहां -4, -40/15। पिछली बार हमने यहां पे प्लस किया था, मिस्टेक हो गई थी, तो हमने इस बार क्या किया कि ये देखो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखें और ये जो लिखने का प्रोसेस है इसका ध्यान रखें। बाई चांस कहां पे मैंने प्लस बोल दिया हो, माइनस लिख दिया हो या माइनस बोल के प्लस लिख दिया हो, तो वहां देखें कि सही क्या है, क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशन है, माइनस प्लस की मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इस चक्कर में हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो ध्यान रखें। यहां देखें -12/5 है, -1/5 गुणा 4/3 है, तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, 15 एलसीएम आ गए, यहां होंगे 36 और यहां होंगे -4, ठीक है। अब -40/15 को हम क्या लिख सकते हैं? -8/3। अब देखें कि इसमें क्या बना, -1/3 एक वैल्यू हमारे पास ये आई हुई है, -1/3 और -8/3, -8/3। अब देखो ZJ माइनस CJ निकालते हैं, ZJ माइनस CJ सेकेंड रो ऑफ β2 इनवर्स गुणा एडिशन टेबल। अब सेकेंड रो क्या है? 0 1 1 और 1, इसका एडिशन टेबल से तो 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 -1 और 0 और 0 1 0 और -1।
इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आएगा, अगले में भी 1 है, इससे अगले में 0 और इससे अगले में 0। देखिए मल्टीप्लाई आपको आसानी से आ गया, 0 को 0 से, फिर 1 को 0 से, फिर 1 को 0 से, फिर 1 को 1 से, सबको ऐड किया तो 1, इसी प्रकार अगले में और इसी प्रकार अगले में। तो जेड जे माइनस सीजे में क्या मिला? पॉजिटिव। जेड जे माइनस सीजे क्या मिला? पॉजिटिव मिला। पॉजिटिव मिला तो ये जो वैल्यू मिली कि हमारे पास अक्ष 1 क्या मिला? 4/3, अक्ष 2 बराबर 2/3 और अक्ष 5 बराबर 0। अब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि ये जो अक्ष 5 बराबर, अक्ष 5 बराबर क्या लेते हैं हमें? माइनस अक्ष 6 प्लस अक्ष 7, ये हमेशा 0 मिलेगा लास्ट में, 0 मिला। और z बराबर क्या मिला? -8/3। अब देखें क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था मिनिमम z बराबर अक्स 1 प्लस 2 अक्स 2। तो मिनिमम z बराबर अक्स 1 प्लस 2 अक्स 2 था, तो मैक्सिमम z क्या होगा? माइनस अक्स 1 माइनस 2 अक्स 2 होगा। तो अक्स 1 हमें मिला है, अक्स 1 हमें मिला है 4/3, तो माइनस के 4/3 माइनस 2, अक्स 2 मिला है हमें 2/3, तो 2 × 2/3 माइनस 4/3 माइनस 4/3, ये हो गया -8/3। तो मैक्सिमम जेड हमें -8/3 मिला है। तो मैक्सिमम जेड ये जो मिला है, ये हमने मैक्सिमम जेड माना था, मिनिमम जेड में क्वेश्चन था, हमने इसको मैक्सिमम जेड में कन्वर्ट किया था और ये मैक्सिमम जेड हमें मिला है। तो मिनिमम जेड क्या मिलेगा? मिनिमम जेड, मैक्सिमम जो जेड है इसका अपोजिट मिलेगा। अपोजिट साइन में मैक्सिम जो मिनिमम जेड मिलेगा वो क्या मिलेगा? 8/3 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान रखनी है कि अक्ष 1 आपको मिला है 4/3, सही है। अक्ष 2 आपको मिला है 2/3, ये भी सही है। अब जो ये मिनिमम, ये जो मैक्सिमम जेड मिला है, ये -8/3 मिला है। हमको पूछा है मिनिमम जेड, तो मिनिमम जेड 8/3 होगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार होगा, मिनिमम जेड को मैक्सिमम बदलना है, फिर इक्विलिटी में चेंज करना है। इक्विलिटी में चेंज करने के लिए सरप्लस वेरिएबल ऐड होंगे -3 और -x4। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको इकाई मैट्रिक्स बनाने के लिए एक फंक्शन जोड़ना है। तो फंक्शन है अक्स आई प्लस अक्स जे माइनस में, और इसके बाद आपको टेबल बनाते हुए काम करना है। ये हमने इस फॉर्म के दो क्वेश्चन कर लिए, दो क्वेश्चन पहले वाली फॉर्म के किए थे, तो चार क्वेश्चन तो मैंने आपको क्लास में करवा दिए, और दो क्वेश्चन मैंने पहले दिए थे करने के लिए, शायद आपने कर लिए होंगे। एक दो क्वेश्चन आज और देता हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब देखते हैं, देखो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जेड बराबर मिनिमम जेड बराबर 2x1 प्लस x2 सच दैट की कंडीशन है 3x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन 3, 4x1 प्लस 3x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x1 प्लस 2x2
इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। घबराने की कोशिश ना करें, पहले दो फॉर्मेशन थी अब तीन है, उसी प्रकार से मैट्रिक्स बनेगी। अक्स वन एंड अक्स टू ऑल्सो, अब इसमें आपको अक्स वन बराबर 3/5 मिलेगा, अक्स टू बराबर 6/5 मिलेगा, मिनिमम जेड बराबर 12/5 मिलेगा। अब ये जो 12/5 है, आपके पास मैक्सिमम जेड कितना आएगा? -12/5 आएगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है, देख लेना। एक क्वेश्चन और देता हूं, मैक्सिमम जेड बराबर अक्स वन प्लस 2x2, इसको आपको चेंज नहीं करना है, ये पहले से ही मैक्सिमम में दिया हुआ है। 3x1 प्लस 2x2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड x1 प्लस 6x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको करना है। अब इन क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस इस प्रकार करें, आंसर पर ध्यान न दें, लास्ट में जो आपने x5 जो लेंगे आप, उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, उसके बाद x1 और x2 की वैल्यू आए वो इस z से मैच करनी चाहिए। मतलब आप इस समीकरण में मान रखो तो ये मान बराबर आने चाहिए। सबसे पहले मिनिमम को मैक्सिमम में, उसके बाद इक्विलिटी। देखो मैं आपको बता देता हूं, इक्विलिटी के बाद इकाई मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स बनानी है। अब क्या ऐड करना है क्या नहीं करना है वो क्वेश्चन के हिसाब से आप देखें। उसके बाद बेसिक टेबल, उसके बाद सिंपलेक्स टेबल। अब सिंपलेक्स टेबल में क्या करना है, E1 और E2 चेंज नहीं होंगे, नो चेंज। जेड जे माइनस सी जे क्या होगा, सेकंड रो और बीटा इनवर्स गुणा एडिशन टेबल, ठीक है। और अक्स के क्या होगा, अक्स के होगा बीटा टू इनवर्स पूरी की पूरी मैट्रिक्स गुणा एंट्रिंग कॉलम, ठीक है। और मुख्य बातें, मिनिमम अक्स बी अपॉन अक्स के कभी भी नेगेटिव और जीरो हो तो उसको मेंशन नहीं करना है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब ये मोटी मोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है और क्वेश्चन में सारी की सारी कैलकुलेशन करनी है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। जल्दी ही हम क्या करेंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको चीजें और अच्छे ढंग से समझ आएंगी और सारी की सारी कैलकुलेशन है वो वहां पे आपको मिलेगी, तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। और मैं बार बार यही बोलता हूं कि इस पेपर की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें तब जाके ये पेपर आपका होगा। और बहुत अच्छे ढंग से, यानी कि 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे, तो अगर 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 3 घंटे मिलेंगे, तो 1 घंटे में 2 क्वेश्चन का मतलब 30 मिनट। और आपको बिल्कुल प्रैक्टिस होगी तब जाके सारी कैलकुलेशन होगी, वरना अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और क्लास को बार बार देखेंगे तब जाके ये, कम से कम 3-4 बार क्लास को देखें तब जाके ये चीजें समझ आएंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे परिवार से इस जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।